आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीखो कमाओ योजना में यदि आपने कोई भी गलती की है तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को इस तरह से लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि सारा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपने यहाँ पर कोई भी गलती की है उसे सुधारने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर आपको 12वीं की अंक सूची अपलोड करनी होती है, ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा जो भी आपने किया है वह यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। यदि आपसे गलती से कुछ भी गलत हो जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप सब कुछ दोबारा से सुधार सकते हैं। यदि आपको 12वीं की अंक सूची अपलोड करना है तो सबसे नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, अंक सूची अपलोड करें, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप आसानी के साथ ही अंक सूची यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिशत, उत्तीर्ण वर्ष यदि गलत हो गया है, यहाँ पर बोर्ड का नाम, कुछ भी यहाँ पर आपने गलती की है तो यहाँ पर आप आसानी के साथ ही इसे सुधार सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है, अपडेट यही नहीं होता है तो यहाँ पर आपको और जुड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर और जुड़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपने गलती की थी यहाँ पर पूरी तरह से इसमें सुधार हो जाता है। संरक्षित करें और आगे बढ़ने पर फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर संरक्षित करें और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सारा ही कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सेक्टर और यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया जाएगा। यदि आप यहां पर और भी कोर्स जोड़ना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर आपको करना क्या है, शैक्षणिक योग्यता पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर शैक्षणिक योग्यता पर क्लिक करेंगे, 12वीं या फिर यहां पर आपको ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है, सेक्टर पर क्लिक करना है और यहां पर आपको कोई भी सेक्टर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एक कोर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको जोड़ने पर क्लिक कर देना है। कुछ देर बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और कोर्स यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यदि आप ट्रेनिंग के लिए सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे की ओर आना है, राज्य को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप यदि मध्य प्रदेश से हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी ज़िला है। इसके बाद जैसे आप जोड़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको कार्य अनुभव लिख देना है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो यहाँ पर हाँ लिखना है, नहीं तो आपको नहीं लिख के यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप सारा ही कुछ एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।